ठाकुर के बिंदास बोल से मैं उमेश ठाकुर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी। मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूं, उस फिल्म का नाम है तानाजी द अनसंग वॉरियर। मुक्का मुबरट नाउ सुबेदार तानाजी पालसरे। मध्य की ये फिल्म, अगर आपको अपने देश के बारे में प्यार नहीं है, आपके देश के प्रति प्यार नहीं है, तो मत देखिए फिल्म। अगर आपको आपके देश के बारे में अभिमान है, स्वतंत्र सेनानियों के बारे में अभिमान है और इतिहास के बारे में अभिमान है, तो जरूर जाइए और देखिए तानाजी द अनसंग वॉरियर। मैं तो आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाइए और ये फिल्म देखिए, तानाजी द अनसंग वॉरियर। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आउटस्टैंडिंग। मैं ठाकुर के बिंदास बोल से अजय देवगन जी को बहुत बहुत सल्यूट करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वो इस फिल्म को लेकर सभी हिंदुस्तानियों के लिए, तो विश्व भर के लोगों के लिए लेके आए हैं। क्योंकि आज का जो हिंदुस्तान का माहौल है, वो जो माहौल है, उस माहौल में ऐसी फिल्में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ियां हैं, वो हमारे इतिहास को जानते ही नहीं हैं। क्योंकि उनके दिमाग में जो कुछ आज दिमाग में भर चुका है, वो गलत इतिहास उनके दिमाग में भरा जा रहा है, उसके ही परिणाम आज हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसी युवा पीढ़ियों को जो सच्चा इतिहास है, हिंदुस्तान का जो इतिहास है, महाराष्ट्र की पावन भूमि का जो इतिहास है, वो पता चलना बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत सारे आज के पीढ़ी के युवाओं को, उनको इतिहास मालूम ही नहीं है, तो ऐसे युवाओं के लिए जो सत्य इतिहास है, हिंदुस्तान का इतिहास है, महाराष्ट्र का इतिहास है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो इतिहास है, उनका जो इतिहास है, इसकी मालूमात होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो स्वतंत्रता हमको मिली है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर आज तक, यानी 1947 तक हमको जो लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, जो आक्रमक जो लोग थे, आक्रमण करने वाले जो मोगल्स थे, उनसे भी लड़कर जो आज़ादी मिली है, उसका महत्व जो है, वो आज के युवा पीढ़ियों को पता चलना चाहिए। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ ठाकुर के बिंदास बोल से कि जाइए बच्चों के साथ ये फिल्म देखिए। घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, उसको ये फिल्म देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठाकुर के बिंदास बोल से मैं ये सबको आह्वान करता हूँ, जाइए और देखिए तानाजी द अनसंग वॉरियर। ये फिल्म देखनी बहुत ज़रूरी है कि महाराष्ट्र का जो इतिहास है, जिस तरह से स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप की आहुति दी, अपने अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो प्राणों का बलिदान देखने के लिए तानाजी द अनसंग वॉरियर ये फिल्म अवश्य देखिए। इस फिल्म की सभी चीजें अच्छी है, स्टोरी, स्क्रीन पे, डायलॉग, गाने, बैकग्राउंड स्कोर, 3D। ये फिल्म 3D में देखना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी फिल्म है। जाइए और देखिए तानाजी द अनसंग वॉरियर। ठाकुर के बिंदास बोल से मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ पूरी टीम का। मैं आप सभी को सल्यूट करता हूं। तो आइए और देखिए तानाजी द अनसंग वॉरियर, ये फिल्म अवश्य देखिए। तो तानाजी द अनसंग वॉरियर की जो कास्टिंग है, वो बहुत बेहतरीन है। मराठी सभी कलाकारों ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है, खास करके देवदत्त नागेजी को जो रोल मिला है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने काम किया है। अजिंक्य देव से लेके सभी मराठी और सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत जगन्नाथ निवंगुणे, अंगद महस्कर, शशांक दरने, अजिंक्य देव, शरद केळकर जो छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में जो जचे हैं, लाजवाब, सैफ अली खान, अजय देवगन, काजोल, ज़बरदस्त काम किया है। बहुत बहुत बढ़िया फिल्म है, अवश्य जाइए देखिए तानाजी द अनसंग वॉरियर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बटन को दबाइए। धन्यवाद। होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माहे भवानी।